सो माय डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि अगर हम स्प्रिंग के कॉन्सेप्ट को रॉड के लिए यूज़ करें तो बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। अगर हमारे पास में दो रॉड सीरीज में कनेक्ट हो या दो रॉड पैरेलल में कनेक्ट हो तो स्प्रिंग कांस्टेंट निकाल कर हम उनके कॉम्बिनेशन की बात कर सकते हैं। आज उसी से रिलेटेड हम कॉन्सेप्ट देखते हैं कि अगर हमने एक कंपोजिट बार सेक्शन बनाया, मतलब कि अगर हमने एक वायर लिया, उसके ऊपर कोई दूसरे वायर का, दूसरे मटेरियल का कोडिंग किया, ठीक है, उसके मटेरियल का अगर हमने एक इंसुलेटिंग कोडिंग किया है तो फिर हम उसका कैसे स्ट्रेस स्ट्रेन फाइंड करेंगे और उसको कैसे हम समझेंगे, वो आज हमको देखना है। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है बार ऑफ कंपोजिट सेक्शन। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास में जैसा हमको डायग्राम में दिख रहा है कि एक वायर है हमारे पास, है ना, एक वायर हमको यहाँ पर दिख रहा है, एक वायर है हमारे पास में और इस वायर का जो रेडियस है वो है आर वन, है ना, यहाँ से यहाँ तक का जो रेडियस है वो है आर वन और बाहर वाले का रेडियस मान लेते हैं आर टू। और हम अगर यहाँ पर इस पूरे क्रॉस सेक्शन एरिया पर एफ फोर्स लगा रहे हैं, ऐसा अपवर्ड डायरेक्शन में एफ फोर्स लगा रहे हैं, तो अब हमको यहाँ पर बात करना है कि ये इनका स्ट्रेस क्या होगा। ओके, सबसे पहले कितना कितना स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि अगर हम फोर्स लगा रहे हैं तो दोनों का लेंथ का इंक्रीमेंट साथ में होगा। ओके, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कंडीशन कि फॉर बोथ बार सेक्शन और वायर भी बोल सकते हैं इनको, वायर विल हैव सेम स्ट्रेन, दोनों का लेंथ में इंक्रीमेंट सेम होगा तो सेम स्ट्रेन। ओके, मतलब कि हम लिख सकते हैं डेल्टा L1/L1 इज इक्वल टू डेल्टा L2/L2, पर हमको ये पता है कि यंग्स मॉडुलस जो होता है वाई इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है, है ना, मतलब सिग्मा बाई डेल्टा L/L होता है। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, डेल्टा L/L इज इक्वल टू सिग्मा बाई वाई। तो इस फर्स्ट पार्ट के लिए हम लिख सकते हैं सिग्मा 1/Y1 इज इक्वल टू सिग्मा 2/Y2। ओके, तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 आ गया, ये आ गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। आगे देखते हैं, अगर अब हम यहाँ पर F फोर्स लगा रहे हैं तो F1 की अगर बात करें तो वो क्या होगा, सिग्मा 1 × A1, और अगर हम F2 की बात करें तो वो क्या होगा, सिग्मा 2 × A2। और टोटल फोर्स की अगर हम बात करें तो हम लिख सकते हैं F1+F2, है ना, इस वाले पोर्शन पर F1 फोर्स लग रहा है, इस वाले पोर्शन पे F2 फोर्स लग रहा है, तो F इज इक्वल टू हमारे पास में हो जाएगा सिग्मा 1A1+σ2A2। ओके, तो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2, और इन दोनों इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमको सिग्मा 1 और σ2 मिलेगा। तो दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, हमारे पास में पहला इक्वेशन क्या आया था, पहला इक्वेशन आया था सिग्मा 1 y1 इज इक्वल टू सिग्मा 2 y2, है ना, और यहाँ से अगर हम सिग्मा 1 का वैल्यू कैलकुलेट करें तो वो होगा y1/y2 × σ2। ओके, अब हम f की बात करें तो f हमारे पास में क्या था, सिग्मा 1 a1+σ2 a2, है ना, तो यहाँ पर अगर हम इस सिग्मा का क्या मतलब है, स्ट्रेस, इसका वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं तो F इज इक्वल टू हमको मिलेगा क्या, मिलेगा y1/y2 ओके × σ2 × A1+σ2 × A2, दोनों में से सिग्मा 2 कॉमन ले लेंगे, तो सिग्मा 2 कॉमन लेने के बाद यहाँ पर क्या बचेगा, y1/y2 × A1+σ2 × A2 = F। ओके, अब यहाँ से अगर हम सिग्मा 2 का वैल्यू कैलकुलेट करें तो वो कितना होगा, f × y2/y1a1+y2a2, है ना, ऐसा कुछ हमको सिग्मा 2 मिलेगा।
सेम एज इट इज़ अगर हमको सिग्मा वन फाइंड करना है, तो हम यहाँ से एफ वन भी फाइंड कर सकते हैं। एफ वन क्या होगा? एफ वन होगा सिग्मा, सॉरी पहले एफ वन फाइंड, सिग्मा वन फाइंड करते हैं। तो सिग्मा वन जो होगा वो होगा एफ इंटू वाई वन डिवाइडेड बाई वाई वन ए वन प्लस वाई टू ए टू, है ना। तो अगर हमारे पास में एफ वन की बात करें तो वो होगा सिग्मा वन इंटू ए वन, है ना, और वो होगा सिग्मा वन। सिग्मा वन का वैल्यू यहाँ पर लिख देंगे एफ इंटू वाई वन डिवाइडेड बाई वाई वन ए वन प्लस वाई टू ए टू इंटू ए टू। ठीक है, ये हमारे पास एफ वन आ गया। अब हम एफ टू कैलकुलेट कर सकते हैं। एफ टू क्या होगा? वाई इंटू, सॉरी एफ इंटू वाई टू इंटू ए, यहाँ पर ए वन था, ए वन इंटू ए टू डिवाइडेड बाय वाई वन ए वन प्लस वाई टू ए टू।